अतीक अहमद के बाद पैदा हुआ अंसार अहमद के नाम से जाना जाता है। मैनपुरी में इसका जितना आतंक है कि दिन दहाड़े दुकानों पर कब्जा, मकानों पर कब्जा, वहीं मैनपुरी पुलिस भी कुछ कहने से बचती नजर आती है। आखिर में कौन है जहां अंसार अहमद, जो छोटे अतीक अहमद के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चले कि अंसार अहमद आज से कुछ साल पहले एक कपड़ा व्यापारी था, जो कि एक छोटा सा कारोबारी था। वहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आज करोड़पति हो गया। अगर अंसार अहमद के आपराधिक इतिहास की बात करें तो कोतवाली में ही 3 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं गंभीर धाराओं में। वहीं रसूख ऐसा कि पुलिस भी अंसार अहमद को देती है कोतवाली में बैठने के लिए जगह। वहीं अंसार अहमद जो अतीक अहमद की तरह ही करता है। मैनपुरी में राज फिलहाल वीडियो अंसार अहमद का सामने आया है, जिसमें अंसार अहमद अपने गुर्गों के साथ मिलकर करता है मकान पर कब्जा। वही मकान स्वामी के साथ करता है गाली गलौज। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में गले में अंगोछा, सर पर बाल सही नहीं। अंसार अहमद जो छोटे अतीक अहमद से मैनपुरी में भी जाना जाता है, वहीं उसके साथ गुर्गे भी आपको इस वीडियो में नजर आ रहे होंगे। वीडियो को आप जरा गौर से देखिए कि कुछ ही दिन पहले पकड़ा बैटरी चोर वह भी अंसार अहमद के साथ वीडियो में नजर आ रहा है। वहीं मुंह उठाकर नकाबपोश गुर्दे जो के अंसार अहमद के सारे पर किस तरीके से दुकान में बैठे हुए बच्चे के साथ कर रहे हैं गाली गलौज और मारपीट। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से दुकान में रखा कीमती सामान उसके गुर्गे बोरियों में भर रहे हैं, लैपटॉप सीडीआर जिसको भरकर ले जा रहे हैं। आखिर में अंसार अहमद का आतंक कब तक मैनपुरी में रहेगा कायम? क्या अतीक के बाद अंसार अहमद होगा मैनपुरी का छोटा अतीक?